पाठ 10। ऐसे थे स्वामी जी। किसी नदी के किनारे एक स्वामी जी ने कुटिया बनवाई और उसमें रहने लगे। नदी के किनारे बसे गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी जी प्रतिदिन नदी स्नान करने जाते। जब वे कुटिया के समीप से गुजरते तो ढेर सारी गालियां निकालते हुए आगे बढ़ जाते। गालियां सुनकर भी स्वामी जी शांत रहते, लेकिन उनके शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक दिन स्वामी जी के एक शिष्य ने कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो पुजारी के बच्चे को ठीक कर दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, मन में ऐसे विचार लाना पाप है। हो सकता है यह पुजारी जी का प्यार दिखाने का अपना तरीका होगा। एक बार कुछ गांव वाले स्वामी जी के दर्शन करने आए। वे मीठे मीठे आम भी लेकर आए थे। भक्तों के जाने के बाद स्वामी जी ने 2-4 आम उठाए और एक शिष्य से कहा, ये आम पुजारी जी को दे आओ, कहना कि आम मीठे हैं, मैंने भिजवाए हैं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, महाराज वे आपको गालियां देते हैं और आप उन्हें आम भेज रहे हैं? स्वामी जी ने हंसकर कहा, हाँ वत्स, उनसे कहना कि गालियां देने से ताकत कम होती है, ये आम खाएं और अपनी ताकत बढ़ाएं। शिष्य पुजारी जी के पास पहुंचा। उसने आमों के साथ स्वामी जी का संदेश भी कह सुनाया। शिष्यों के जाने के बाद पुजारी जी रात भर सोचते रहे, ये कितने बड़े संत हैं, मैं गाली देता था पर इन्होंने मेरे लिए आम भेजे। किसी तरह रात बीती। दूसरे दिन सुबह होते ही पुजारी जी सीधा स्वामी जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, मुझे क्षमा करें। स्वामी जी ने पुजारी जी को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, देखो भाई, भगवान ने वाणी का यह वरदान मनुष्य को मीठा बोलने के लिए दिया है। कड़वे बोल न केवल सुनने वालों को दुख देते हैं बल्कि बोलने वालों को भी दुख पहुंचाते हैं, इसलिए जब भी बोलो तब मीठा बोलो और अच्छा बोलो। बच्चों, स्वामी जी और कोई नहीं, स्वयं दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने हमें वेदों का वास्तविक ज्ञान दिया था।